हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम लेकर आए हैं मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं, उसका घी कैसे बनाते हैं। आज हम यही टॉपिक लेकर आई है, और चम्मच के साथ कितनी जल्दी घी निकलता है। और देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं और ये मलाई इसमें डाल देते हैं, और देखना इसका मक्खन बनाते हैं और कितनी जल्दी बन जाता है चम्मच के साथ। और ना ही तो इसको गर्म करना और ना ही इसको दही लगाकर जमाना, सिर्फ ऐसे ही। और कितनी जल्दी मक्खन बनता है, और ताज़ा मक्खन एकदम। कई मैंने क्या करती है, मलाई को गर्म करती हैं, फिर उसमें जामुन लगाती हैं, तो फिर उसकी दही जमा करके उसको बलोते हैं, तभी मक्खन निकालते हैं। लेकिन हम ऐसे ही मक्खन निकालते हैं, और कितनी जल्दी निकलेगा। और ये 2 दिन की मलाई है हमारी, ये देखिए 2 या 3 दिन की मलाई का ही मक्खन निकाली। 2-3 दिन की मलाई जो होती है वो मक्खन ताज़ा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इसे ज़्यादा करते हैं तो मक्खन से स्मेल आती है, इसलिए ऐसे ही सिर्फ 2 ही दिन का ताज़ा मक्खन निकालना है। ताज़ी मलाई इकट्ठी कीजिए और ताज़ा ही मक्खन निकालना है। अब हम इसको देखिए ऐसे चलाते हैं, ऐसे गोल गोल चलाना है इसको, और इसका मक्खन तैयार करते हैं, ताज़ा मक्खन एकदम से। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे आप 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी कीजिए, ऐसा करने से आपके घर में हमेशा मक्खन रहेगा और घी रहेगा। ऐसे कीजिए, और हमारी वीडियो पूरी देखना, पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करना। अब इसको ऐसे चलाते रहते हैं और देखना कितनी जल्दी मक्खन निकलता है। कभी इधर ऐसे ऐसे उल्ट पुल्ट करते रहना इसको, और देखना फिर कितनी जल्दी मक्खन निकलता है। अब ऐसे देखना 2-3 मिनट के बाद ये थोड़ी पतली हो जाती है, ये देखिए ऐसी पतली हो जाती है। अब देखना ऐसे ही चलाते रहना, अब थोड़ी देर के बाद ये अपने आप गाढ़ी हो जाती है। और ये देखिए थोड़ी देर के बाद अपने आप ऐसे गाढ़ी हो जाती है, ये देखिए। बस इसको ऐसे चलाते रहिए और देखना कितनी जल्दी मक्खन निकलता है। और ये देखिए अपने आप ऐसे गाढ़ी हो जाती है, ये देखना एकदम गाढ़ी हो जाएगी बिल्कुल एकदम। बस चलाते रहना ऐसे ही, और ये देखिए, और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए। अब इसको चलाते रहते हैं एक बार फिर से, अपने आप ही थोड़ी पतली हो जाती है, चलाते रहिए ऐसे ही। और ये देखिए फिर से पतली होने के बाद मक्खन अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। अब इसको 1-2 मिनट और चलाते और देखते रहिए मक्खन कितनी जल्दी तैयार होता है। देखिए हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार है। अब इसमें से मक्खन निकालते हैं कैसे, देखते रहिए। देखिए मक्खन एकदम अलग हो चुका, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ताज़ा पानी डालते हैं, ये देखिए ताज़ा पानी डालना है थोड़ा। अब इसको ऐसे, ये देखिए मक्खन एकदम अलग हो जाता है। ये देखिए अब इसको इससे बाहर निकालते हैं कैसे, पहले इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे। और देखिए पानी एकदम अलग और मक्खन अलग। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे, इसके चम्मच के साथ ही इकट्ठा कर लेते हैं, ये देखिए ऐसे। ये देखिए एकदम ताज़ा मक्खन। और इसमें थोड़ा और पानी डालते हैं ताज़ा, ताकि मक्खन अच्छे से धुल सके। अभी पानी निकाल देते हैं बाहर अलग। इसको हम निकाल देते हैं, देखिए ऐसे। और ये मक्खन अलग और लस्सी अलग। और ये देखिए लस्सी अलग निकालने के बाद आप इसको अलग करते, आप इसको पी भी सकते हैं, आप इसकी कड़ी भी बना सकते हैं।
इसको धो लेते हैं, पूरे मक्खन अलग निकालते हैं इसमें और पानी डालते हैं, मक्खन को अच्छे से धोते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से, अब इसको ऐसे अलग निकालते हैं। ये देखिए हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दोस्तों।